मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज तीसरा दिन है, तो जितनी भी तोड़ फोड़ का और ये जो मलबा फेंकने का काम था वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया। तो अब जो रियल कंस्ट्रक्शन वर्क है, यानी कि ईंट वगैरह लगाना और यू नो बाकी जो भी डिज़ाइनिंग करनी है वो काम आज से स्टार्ट होगा। तो उस पर चलते हैं, इससे पहले थोड़ा अंदर का देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट बन रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज किचन साफ है? हाँ। आज क्या बन रहा है? मेथी का पराठा। ओके, सेकंड टाइम मेथी का पराठा बनता हुआ। और साथ में कुछ और भी बना है? हाँ, क्या? खिचड़ी। खिचड़ी? खिचड़ी और मेथी का पराठा। तो पहले हम लोग क्या खाएंगे? मेथी का पराठा। पहले मेथी का पराठा। हाँ। अच्छा, और खिचड़ी कब खाएंगे? बाद में, लंच में। हाँ, जब भूख लगी। और मेरे जैसे लोग जो कि खाली ब्रंच करते हैं तो दोनों एक साथ खाएंगे। दोनों एक साथ, मतलब मेरे ऊपर है, मेरे को कैसे मैनेज करना है। मम्मी आवाज दे रही है, ऊपर आते हैं देख करके। बुला रही थी क्या? हाँ। प्रशांत तो है नहीं? इसका चाबी मांग रहे थे। गेहूं निकालना है? तो मैंने आपको नीचे का तो दिखा दिया था ढांचा, कितना तोड़फोड़ हुआ है, बट ऊपर का नहीं दिखाया था, तो ऊपर वाले भी दिखा देता हूँ। ये है बेसिकली जहाँ पे अभी काम हो रहा है। तो ये एक छोटा सा स्टोर रूम था जिसमें आप पैसे जाते थे। वॉल जस्ट यहीं पर बनी हुई थी, अभी इस वॉल को हमने तोड़ दिया है और जो किचन है उसको श्रिंक कर रहे हैं। और ऊपर मेरे काफ़ी सरिया लगा हुआ है और यहाँ से जो है ये विंडो खोल दिया है। तो बेसिकली ये बहुत छोटा सा रूम यहाँ पे बन जाएगा। बनने के बाद हमें पता चलेगा अभी जगह खड़ी कौन लगेगी। और ये हमारे मिस्त्री हैं। क्या नाम दिया आपका? यादगिरी। यादगिरी। अभी कुछ इस तरीके से हमने चद्दर से ढाक दिया है क्योंकि छत पे कबूतर आ रहे हैं। तो अगर धूप अच्छी खासी रही तो ये गेहूं जो है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, सूख ऑलरेडी चुका है। और इसके लिए हम तीन चार कपड़ों से और इसको पूरा ढाक देंगे ताकि कबूतर इसको ना खाए। इस तरीके से अभी पूरा ढक दिया है, थोड़ा सा एरिया बाकी है, उसको भी कुछ कपड़ा या पतला कपड़ा ऐसा ला करके पुरानी साड़ी उसको ढक देंगे। और साथ में इसको भी सूखने के लिए डाल दिया है, थोड़ा और सूख जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने इस चीज़ के बारे में कभी सुना है क्या, या किसी को पता है ये क्या है? मैं आपको अंदर का भी दिखा देता हूँ। अंदर से ऐसे बीज निकलते हैं, अगर पता तो ठीक है, या फिर हम लोग तो इसको केवांच कहते हैं। ये भी हमारे घर का खुद का उगा हुआ है और इसका हलवा बहुत बनता है और भी चीज़ें बनती हैं जो कि सर्दियों में बहुत फ़ायदा करती हैं हड्डी वगैरह के लिए और बॉडी के लिए बहुत सही रहता है। तो आपकी भाषा में क्या कहते हैं ये बिल्कुल बताना कमेंट करके। और अगर आपको नहीं पता है तो किसी से पूछ के बताना, अगर आपने ये पहले चीज़ देखी कि नहीं। तो ये हमारे खेत में ही होता है गेहूँ, हमारे खुद के खेत का है बनारस का। और जब भी हम जाते हैं मोस्टली कार से ही जाते हैं, तो कार से जाते हैं तो एक दो बोरी लेते आते हैं। रीज़न ये है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, ये खुद का है, पता है कोई मिलावट नहीं है। तो इसको धो करके सुखा करके फिर हम लोग जो इसको आटा बना देते हैं और खाते हैं। हम लोग यहाँ से भी ख़रीदते हैं, मोस्टली यहीं से खाना पड़ता है क्योंकि इतना खपत होता है कि वहाँ से उतना ला नहीं सकते क्वान्टिटी, बट फिर भी जितना होता है उतना ले आते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, और ताकि वो थोड़ा हेल्दी रहे। रात को भी मैंने बहुत अच्छे से नहीं खाया था ना। क्यों नहीं खाया भाई? पेट हल्का से खराब हो रहा है। मम्मी कौन सा वाला पपीता काट रहा है? इतना जोर से चिल्ला रही हो तुम। और ये बड़ा ना शुरू जी बनेगा क्या वीडियो? ओह माय
ओह माय गॉड, हाँ रोज बनना है ना, डेली ब्लॉगिंग कर रही है। डेली ब्लॉगिंग करेंगे, मज़ा मज़ा करेंगे। मेथी पक्का मेथी है? मेथी पक्का मेथी। अच्छा, लेकिन ये बहुत अलग तरीके से बनना है ना इसको। मेथी को पहले पका दिया है क्या? हाँ। उबाल के? उबाल के नहीं। हाँ। तड़का दे के पका दिया, फिर पीसा भी है? नहीं। अच्छा, बस ऐसे मिक्स कर दिया है। ये हमारे गार्डन का पपीता क्या? यस। छिलका थोड़ा सा नहीं निकाल सकते, पुराना हो गया है, लेकिन पपीता अच्छा लग रहा है। तो अभी ईंटें मंगवा ली हैं हमने, जितना एस्टिमेशन था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ईंट आ गई थी। उसके बाद फिर जो दीवार वगैरह टूटी थी, दीवार टूटने से भी बहुत सारी अच्छी ईंटें निकल गई, स्पेशली जो ऊपर हमने तोड़ा है। नीचे वाला तो बिल्डर ने बनाया था तो उतनी अच्छी क्वालिटी की ईंट नहीं थी, लेकिन जो ऊपर हमने ईंटें तोड़ी उससे अच्छी ईंटें निकल आई। तो अभी ईंटों की कम ज़रूरत है, तो कुछ ईंटें हमने रखवा ली हैं और बाकी ईंटें हमने वापस करवा दी हैं। कल ही तो गए थे तुम लोग? अभी अभी नहीं गए। चले, तुम्हारा काम है अभी, लेकिन यहाँ आधा घंटा लगेगा। अच्छा, वो चेक करोगे पिन मार के टाइम पे? यह वीवो का X70 Pro। तो इस फ़ोन के अंदर इतने फिल्टर्स हैं, दांत से लेकर के आँख, आँख से लेकर नाक, जॉ, फेस को मोटा पतला करने से कम इसके अंदर शायद 20 फिल्टर्स इनबिल्ट हैं। मतलब बिल्कुल ही आपके फेस का ना शेप बदल देगा, स्किन टोन से लेकर पता नहीं क्या क्या, इतने फिल्टर्स, मतलब क्यों मुझे समझ में नहीं आता। ये मैं दिखाओ फिल्टर्स, फिल्टर से काम लोगों ने कोक डाली हुई है। अरे डालने दो ना, बैकग्राउंड कैमरा खोलो, फिल्टर फिल्टर पे क्लिक करो, फिल्टर ऊपर इधर ही, इधर ही नहीं, ब्यूटी ब्यूटी का नहीं, ब्यूटी को, हाँ ब्यूटी ब्यूटी को, फ़ोन हमने फाइनली परचेस कर लिया, बिलिंग वगैरह सब हो गई, बट इनके स्टोर्स पे अभी, इनके इस स्टोर पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये लोग अभी दूसरे वाले अत्तापुर स्टोर पे गए हुए हैं और वेट ही कर रहे हैं भैया के आने का। आधे घंटे से तो ज़्यादा टाइम हो गया है और मेरे ख्याल से एक 10-15 मिनट में मैक्स आ जाना चाहिए, और आने के बाद फिर हम ये फ़ोन लेके जाते हैं। बहुत टाइम हो गया वेट करते करते, स्टोर में घुसे हुए हमको एक घंटे से ज़्यादा हो गया, जबकि फ़ोन हमारा प्री डिसाइडेड था, सब कुछ हमारा प्री डिसाइडेड था। अरे स्टोर में खरीद रही तो खोलना पड़ेगा ना। रेडी खोलो, इंग्लिश खोल रहा है। अभी कैसे खोलना है? ये बॉक्स से ऐसे निकालो ना, ऐसे करके। Thank you.